नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए। ऑनलाइन एग्ज़ाम में कैसे आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, कैसे आपको कॉपी सबमिट करनी है जो आप लिखेंगे, पूरा मॉक टेस्ट के माध्यम से जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने मॉक टेस्ट स्टार्ट किया है जिसके मदद से स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके, वो मॉक टेस्ट हम देखेंगे कैसे ज्वाइन करना है। उस मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको सभी चीज़ डिटेल में समझा दी जाएगी, कैसे आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, कैसे आपको सबमिट करना है, ऑल टोटल इस मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी जिससे आप इसे मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही आप आएंगे, ऊपर आपको यहाँ न्यू करके यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद मॉक टेस्ट लिख कर आ रहा है ऊपर, देखिए इस पर आपको सिंपली क्लिक कर दें। मॉक टेस्ट है तो यहाँ पर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वो आपके एडमिट कार्ड में दे दिया जाएगा। अभी तो आप यहाँ से सीधा यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, मॉक टेस्ट है इसलिए, नहीं तो यूज़र आईडी जो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा एग्ज़ाम टाइम में, वो आपके एडमिट कार्ड में आपको दे दिया जाएगा और पासवर्ड भी। देखिए सिंपली हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपका आ चुका है, जनरल इंस्ट्रक्शन इसमें आपका दिया गया है। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन आपको पहले पढ़ लेना है। ये आपका मुझे की देगा जो मॉक टेस्ट है आपका, आपको अवेयर करने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस आपको बताया जा रहा है और टोटल एग्जामिनेशन आपका टाइम 150 मिनट्स है और 120 मिनट्स आपको राइटिंग आंसर यानी क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए मिलेंगे A4 साइज पेपर में आपको लिखना है और 30 मिनट्स आपको स्कैन करके आपको जो रिस्पॉन्स शीट होगी आपकी आंसर शीट उसको अपलोड करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और अब सिंपली हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है आई हैव टू रीड एंड स्टूड द इंस्ट्रक्शन, आप ये पूरे इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ लिए हैं ध्यान से। अब हम इसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे, फिर हम आई एम रेडी टू बिगेन, हम स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, और अभी आपका स्टार्ट हो रहा है, प्रोसेसिंग लेगा आप थोड़ा सा वेट करिए। देखिए ये आपका क्वेश्चन पेपर आ चुका है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जो पेपर है, देखिए यहाँ पे आपका टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है 120 मिनट्स का और टाइमर जैसे जीरो पे आएगा आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा और ये आपका क्वेश्चन पेपर आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर आपका आ चुका है। टोटल 4 ही क्वेश्चन आएंगे इसमें और ये आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, 120 मिनट्स आपको टाइमिंग मिलेगा। और ये देखिए ये क्वेश्चन पेपर का आ रहा है मगर इसे डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है और रिस्पॉन्स अपलोड करने का भी आ रहा है लेकिन डाउनलोड करने का क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो अब हम इसे सीधा सबमिट कर देते हैं क्योंकि हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अगर हम आंसर हम अगर एग्ज़ाम देंगे तो हम पूरे जीरो, जब आपका जीरो पे हो जाएगा टाइमिंग ख़त्म तभी आप इसे सबमिट कर पाएंगे और फिर ये आपका एग्ज़ाम समरी आ जाएगा, कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए हैं, कितने आंसर करे हैं और फिर ये ग्रुप आर यू सोलो सबमिट, अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, हम यस कर देते हैं। ठीक है, हमने ये सबमिट कर दिया, अब हमें यहाँ से रिस्पॉन्स अपलोड करना रहेगा। ठीक है, रिस्पॉन्स अपलोड कर देंगे। ठीक है, ये आपका आ गया ऑप्शन ऐड फाइल का। ठीक है, आपको यहाँ ऐड फाइल में जाना है, ऐड फाइल में जाके आपको फाइल्स में अपने जो भी फाइल्स होगी यहाँ पर आपको सिंपली जो भी आपने फाइल सेव कर रखी है आपको सिंपली यहाँ पर आपको ले लेना है और फिर उसे यहाँ पर सबमिट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर सबमिट करने के बाद आप इसे यहाँ फाइल्स करने के बाद सबमिट कर देंगे। देखिए अभी हमने अब रिस्पॉन्स अपलोड नहीं किया इसलिए बता रहा है, लेकिन यहाँ रिस्पॉन्स जैसे ही अपलोड कर देंगे फिर आप यहाँ सबमिट कर देंगे तो आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ टाइमर आपको दे रही है, 30 मिनट्स मिला है आपको रिस्पॉन्स करने के लिए। ठीक है, आपको हमने पूरा डिटेल में समझा दिया है, ऐसे ही आपको मॉक देना है और एग्ज़ाम भी आपको ऐसे ही देना है। धन्यवाद, वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे सभी की हेल्प हो जाए।